किक क्या है भाई भाई तुम्हारे अब लाइव हो रहा है भाई, मेरा को ऐसे लगभग लाइव ट्रेड है अराउंड इस कैंडल में कुछ प्रॉफिट भी था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, क्वांटिटी ज्यादा बड़ी थी नहीं। तो यही था दोस्तों, मैंने आपको कुछ बढ़ाने की कोशिश की है, आई होप आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ दिल्ली में और उनका जो होटल है टेरिस में है, छत में, और मतलब एयरपोर्ट के पास ही है। तो अभी अपन आज अभी निकलेंगे यहाँ से, चेकआउट करेंगे, और गर्मी भी है, बाहर धूप भी हो रही है, पैदल घूमना होगा, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा धूप में घूमना जरूरी है। यहाँ मछलियाँ चल रही हैं, हवा आ रही है, तो थोड़ा सा वरना बिस्तर नहीं करता तो तुम्हें मज़ा नहीं आता। लेकिन आप अपन जाएंगे, अपन ने ट्रेड भी कर लिया है और कुछ ट्रेड छोटे छोटे किए हैं, बट मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे, दोनों इंडेक्स अलग अलग चल रहे हैं, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है मैं जाऊँ किस में ट्रेड करने के लिए। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं करता हूँ ट्रेड फिर निफ्टी में, और निफ्टी नीचे आ चुका है तो देखते हैं फिर निफ्टी में अगर कोई ट्रेड मेरा भी बनता है तो। अभी मैं, लेकिन मेरे दो तीन मैंने ट्रेड किए हैं छोटे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार अपने तीनों ट्रेड। तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सो निफ्टी पे कॉल ऑप्शन उठाया था, रिलायंस चल रहा था, आपने देखा होगा रिलायंस चल रहा था, रिलायंस के अकॉर्डिंग मैंने उठाया था। बट यहाँ पे अराउंड इस कैंडल में कुछ प्रॉफिट भी था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी थी नहीं। तो निफ्टी का जो अपने पास ट्रेड था उसमें अपन ने जो बनाया निफ्टी वाले में 19,585 कॉल ऑप्शन 40 मतलब 1000 रुपीज, एंड देन हम फिर निफ्टी पाए 19,550 की कॉल ऑप्शन, नहीं पुट ऑप्शन है जो इस मंथ की है। और ये मैंने कॉल ऑप्शन भी ट्रेड किया था ये निफ्टी का, तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो था, हाँ ये वाला कॉल ऑप्शन मैंने ये वाला ट्रेड किया था, यहाँ पे किया था निफ्टी का कॉल ऑप्शन ट्रेड, जो कि ये था 18,600 की कॉल ऑप्शन पर ट्रेड है, जिसमें मेरे को 12,000 प्रॉफिट था। तो फिर निफ्टी में सुबह सुबह कॉल ऑप्शन पर ट्रेड किया था यहाँ कहीं पे, बट इधर मूवमेंट कुछ दिया नहीं तो मैं कॉस्ट कॉस्ट निकला, उसमें कुछ ज़्यादा वो था नहीं। एंड देन मैंने यहाँ पर एक फिर निफ्टी का एक बिग बाल बना था, बिग बाल के बाद फिर एक स्कैल्प किया, तब जाके फिर निफ्टी में जो ये 21,000 वाला प्रॉफिट है 19,550 ये अपना फिर निफ्टी में बना था। तो अभी अपन 35,000 पे चल रहे हैं नेट टू नेट। अब मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने की सोच रहा हूँ, यहाँ पर कुछ मिल जाए कुछ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये नीचे आया बट ये नीचे नहीं आया। तो दोस्तों अभी अपन निकलते हैं रूम अपना, अपने को रूम चेकआउट करना है, और मैं भी कहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा अपने को सामान देखना है। क्योंकि आपको जो मैंने एक चीज प्रॉमिस किया कि आपको कंप्लीट जो एक ट्रेडिंग के लिए सीखने की जरूरत है मैं आपको ऐप के अंदर देने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और मैं उसको जिस तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड मुझे नहीं लग रहा वो आपको इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि मैं उसमें छोटा सा देख रहा हूँ और एक स्क्रीन पे ही आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने आपको बताया था मैं बोर्ड लेके प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ दूंगा, ताकि आपको मैं जिस तरीके से उसमें चीज़ें समझाऊंगा आपके सामने, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सामने खड़े हुए चीज़ है, एक एक्सप्रेशन के साथ कोई चीज़ समझाई जाती है तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होती है, रेदर देन आप खाली एक फेस देख रहे हो और चार्ट पर देख रहे हो। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, और उसी के लिए अपन को चीज़ें इकट्ठा करनी है, फिर करना है, आप ऐप में रहो, बने रहो, और वो एक बार कंटेंट आएगा तो वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, और जितने लोगों को सीखना है आओ सीखो। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास, मेरे को देखने वाले लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते, सभी मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कैपिटल भी कम होता है, बट उन्हें सीखना भी है और करना भी है और अर्न भी करना है। तो उसी सीखने वाला जो कंटेंट है मैं उनके लिए प्रिपेयर करके रखा हूँ, और बस उसको रिकॉर्ड उस पर थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा सा इफेक्टिव रहे। तो अभी अपन करने वाले हैं चेकआउट, चेकआउट करके अभी दूसरी डेस्टिनेशन, दूसरी जगह अपने जाना है, और तुम्हारा भाई तो ट्रैवल करते रहता है, ट्रैवल करते करते ट्रेड प्रॉफिट लॉस ये सब होते रहता है। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं। तो आज हम आ गए हैं सर के, सुमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस, हाँ सर के पास आए हैं, तो अपन बड़े लोग हैं, हमारा नाम भी नहीं जानते, मतलब असीम सर ने बताया था ना, तो चार्ट एनालिसिस करके बताया, आपका नाम नहीं बताया, मेरे को यहाँ नाम भी याद नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने अभी देखा नाम, तो काफी ये अपने को मिलने वाला बहुत जल्दी। ये एक्चुअल में मेरा ना, ये मैं 2012 में अहमदाबाद में था, तो वहां पे मेरे को मिला था, तो उस टाइम मैं काम करता था, ट्रेड टेक्निकल एनालिस्ट था, तो तब से मैं 2008 से ही मार्केट में हूं। सर आप तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मैं तो कभी तो कह रहा हूं सर, मेरे तीन ऐसे लगे हैं अभी, मेरा एक 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 शॉट उड़ा है अभी,
हल्का प्रॉफिट को भी दाव पर लगा के एसएल पैसन गए मेरे तीन। कोई नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप सीख लोगे ना कैंडलस्टिक में, तो ये लेके गया मेरे एसएल, ये लेके गया है मेरा एसएल सीधा यहाँ पर एंटी बनाई थी। मैं कहा मूवमेंट में सिर्फ कैंडलस्टिक की मूवमेंट पकड़ता हूँ, मूवमेंट देने की वजह उसे 10% सीधा ले ले रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 2:30 बजे के बाद 2 बजने वाले होंगे अभी। हाँ 2 बजने वाले हैं। एक साइड तो देख मूवमेंट नहीं है मार्केट में, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। 2-3 दिन से ना बिल्कुल, कल तो ठीक ठाक सेकंड हाफ में थोड़ा मार्केट गिरा भी था, बट बनाया था 172-170 बनाया था आज। कल के प्रॉफिट को रिस्क पर लेके मैंने सोचा कि आज फिर निफ्टी में कुछ करूंगा आग। मतलब ट्रैवलिंग में आप ट्रेड कर रहे हो? हाँ ट्रैवलिंग भाई। मैंने ये मेरा नया हाउस है, नया हाउस होम टूर एक ही दिन में। हाँ पहले दिन मेरे पहली सेटअप में ट्रेड किया और मेरे लग चुके भाई ये लग चुके। कल का दिया पूरा? हाँ तो भाई रिस्क क्या, पैसा बनेगा जब कल के प्रॉफिट को रिस्क पर नहीं, तो पैसा कैसे बनेगा हमारे आगे भाई? ये निकल रहा है क्या लगता है यार? ये निकालने में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अभी घुमाएगा ये कैंडल देखना, थोड़ी देर बाद लोगों को घुसाएगा, फिर थोड़ी देर में घुमा देगा यहाँ। ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट आ गया। रिस्क है तो इश्क है, और इतना अच्छा ब्रेकआउट मिला और तुम काम नहीं कर रहे। भाग रहे ना, दिक्कत ही है। अरे तो प्रीमियम नहीं भागे, सब भागेंगे, कोई बात नहीं, आप ट्रेड लो सब भागेंगे। इंदा मनी लो 0.7 डेल्टा या 0.6 डेल्टा लो, बढ़िया पैसा बनेगा आपका। स्टॉप लॉस लेके काम करो, नेकेड ऑप्शन में भी काम हो सकता है अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो। निफ्टी नहीं गया अभी, बैंक निफ्टी कहाँ गया? निफ्टी बैंक ये भी नहीं गया, ये भी रेजिस्टेंस पे ही है, ये काफी नचा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। नचा नहीं रहा भाई, ले लो बस 10 पॉइंट की बात। अरे यार देखो 540 रुपए से 556 रुपए चला गया, कबल हो गया जब 570 लग जाएगा। मेरे को सर पता है ये जब तक प्रीमियम नहीं हिलता है ना, ये देखो कैंडल यहाँ से यहाँ पहुंच गया। कौन सा डेल्टा, कौन सा वो, कौन सा प्रीमियम स्ट्राइक है, कौन से 500 की है ये भाई? इंदा मनी है भाई, हो सकता है भाई ये 19,500 0 to 0 बन जाए। भाई मैं एक लेने जा रहा हूँ। देखो आपके सामने 59 का रेट चल रहा है, 0.9 डेल्टा है इसका, और अगर मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। क्या सोच रहा है भाई? मैं स्कैल्पर हूं यार, मेरे को वो कॉन्फिडेंस देख, ये देख यहाँ ये प्राइस यहाँ से अब मूव किया है, मैं दिखा रहा हूँ ये अब मूव किया है, इसका प्रीमियम देख नीचे जा रहा है। नीचे इसलिए जाएगा ना, उसका रीजन देखो ना, क्योंकि अब रीजन उसका क्या है, नीचे भी इतना जा रहा है कि अभी टाइम कितना बचा, 2:18 है, सिर्फ 1 घंटा बचा है मार्केट में, आज के दिन एक्सपायरी है, तो भाई एक्सपायरी वाले दिन पे थीटा बहुत जल्दी डिगे होता है। और एक चीज है, या तो फिर आप एक काम करो नेक्स्ट एक्सपायरी में, मैं भी सोच रहा हूं, बट ये है कि पैसा डबल होने के चांसेस हो जाते हैं, बट एक बार ये अगर चार्ट पे देखोगे हो सकता है रिटेस्ट करने आए यहां से बाउंस बैक दे दे, बट नहीं, स्कैल्पर इसमें माल खा जाता है ना, जैसे ये उसने अगर 60 पर बाय किया, उसने देखा 60 पर बाय किया, अब 60 का 50 आ गया, स्कैल्पर तो पकड़ रहा है 5-10% तो ही उड़ गया उसका। नेक्स्ट एक्सपायरी ले लो, क्वांटिटी 99,000 मांग रहा है, चलो मैं उठा रहा हूं 55 पे। एसएल क्या रहेगा इसका? एसएल ना सिर्फ इसका इतना रख लेना, हो गया ट्रेड, कितने पे लिया है? 55 पे। इसका एसएल रखना बस इस कैंडल के लो का, बस छोटा सा, ये कैंडल स्पॉट में जाएगा ना तो फिर एग्जिट कर देना इस केस में, अगर ये ऐसे जाता है तो 544। ठीक है मैं देखता हूँ अभी मेरा क्या जा रहा है भाई तुम्हारा अभी लाइव हो रहा है भाई, मेरा को ऐसे लगभग लाइव ट्रेड है, लगभग लाइव ट्रेड है, स्कैल्प करता ऐसे देखा नहीं, मतलब चुटकियों में निकलता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने होल्ड किया, 1 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, निकलो ऐसा। मतलब इस पर प्रीमियम 57.35, तो अभी देखते हैं क्या क्या देखते हैं, 60, चलो क्या करे, 56,000, चलो मेरा कुछ प्रॉफिट लॉस कम हुआ सर, आपने मेरा लॉस कम करवा दिया। मैंने 1800 क्वांटिटी उठाई है, निकाल दिया, नहीं नहीं होल्ड है, या तो इसमें एक ये भी हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट, बट कॉस्ट टू कॉस्ट तो बहुत जल्दी लग जाएगा, देख लो निकलना स्टार्ट हुआ है, निकलना 570 तक जा सकता है, प्रीमियम मूव करेगा, कोई बात नहीं करेगा, एक्सपायरी है ना, सिर्फ ये रीजन है, टारगेट तो आ गया 55 का 57 चल रहा है, निकल ले इसका दिल कहता है, इतने में निकल ले, भाई सर 3,000 रुपए का आपने मेरे को प्रॉफिट करवाया है, एग्जिट ये होता है इसका, निकले 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में कितना प्रॉफिट आया? 55 57
5675 रुपए हमारा कुछ आया होगा चार्जेस ही होंगे। वन हमारा था 163,000 159,000 हो गया, मतलब कितने पॉइंट कितने हुए, 4,000 रुपए सर ने मुझे 4,000 के पार्टी गलती है 4,000 बनवा दिए। कुछ कर रहा है आज पता नहीं क्या, देखूं तो जरा भाई ये क्या है। मैं सर की स्टूडियो में आया हूँ, सर ने तो अपना शूट कर लिया, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोगों को अपने लॉस एक्सप्लेन किया जाए, कल का जो मेरा प्रॉफिट था वो तो आज के चार एसएल गए, भाई चार एसएल चार की चार एसएल में बैक टू बैक एसएल में गया है सर। चलिए तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कैसे लिया लॉस। और ये भाई बहुत बढ़िया है 19,500 है ना, वो क्या है फिन की सी, मेरे 4 SL गए ऑलमोस्ट 4 SL गए। देख अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे अपन का बिग बार सेटअप, यहाँ पे तो मैंने लिया नहीं, यहाँ पे ले लिया, यहाँ कैसे लगा था ये पहली कैंडल, यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट किया इस जगह, समझ रहे हो क्यों। ये देखो अब इतनी बड़ी कैंडल जब आती है और हमारा यहाँ पे एसएल रहता है, ये बहुत बारी चीजें स्कैल्पिंग में होती है कि आप वेट करते जाते हो कि आप अब निकलूंगा एग्जिट करूंगा लेकिन आप सोचते हो कि कैंडल एटलीस्ट क्लोज होने देते हैं, क्लोज होने में जहाँ मैंने 10% देना था वहाँ मेरे 10% से ज़्यादा का एसएल चला गया, ठीक है। फिर उसी को कवर करने के लिए मैं दूसरे ट्रेड में गया, तो अपना जो एक ट्रेड था एक तो यहाँ पे अपना एसएल गया था ये, इसके बाद प्रीमियम मूव नहीं किया, इस प्रीमियम ने अपमूव देना था लेकिन आपका 19,500 की जो 500 की जो सी है उसमें अपमूव नहीं आया, और वो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अभी मुझे डेंट देने वाला था, तो उसने इमीडिएट नीचे आया, प्रीमियम इतनी तेजी से गिरा है उसमें मेरा एसएल गया, तो ऑलमोस्ट जो दो बड़े बड़े एसएल थे ये मेरे यहाँ पर गए थे। और इधर भी मैं कहीं पर इस जगह पर भी ये एक कैंडल ऐसा कुछ पहले बना था आपका बिग बार टाइप का बना था, फिर इसके बाद ये रिट्रेस हो गया, तो इसमें भी मेरा एक ट्रेड गया था, इसमें भी मेरा एसएल गया, तो ऑलमोस्ट पूरे मार्केट में मेरे 4 SL गए थे। एक तो छोटा ही था, मेजर एसएल ये वाला था जिसको मैं एग्जिट नहीं कर पाया था, और ये मैक्सिमम स्कैल्पिंग में होता है कि आप वेट करते हो कि कैंडल क्लोज हो जाए। लेकिन हाँ दूसरी चीज़ मैं बता रहा, मेरा जो कल प्रॉफिट था 173 का, मतलब 173 प्लस का प्रॉफिट था, आज जो अपना लॉस है 174 ऐसा हुआ। अभी मैं लास्ट ट्रेड लिया उसमें मैं यहाँ कहीं पे इसमें मैं काट के भाग गया, उसको ओवरनाइट होल्ड करा था, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता है मैं नहीं करता होल्ड उसको, तो 174 है, तो कुल मिला के क्या है इक्वल टू 0। अपन ने 2-3 ट्रेड किया कुछ नहीं मिला, लेकिन मैक्सिमम गलती क्या होती है कि लोगों के बीच लोग जितने भी ट्रेड करें मेरे जैसे जितने डिटेल है क्या ट्रेड करते कि अगर हाँ आपके पास का प्रॉफिट है ठीक है, मैं इसको लूज करने के लिए क्यों रेडी है क्योंकि मुझे और बड़ा बनाना था, तो मैं इसको रिस्क पर लेके चल रहा था, कल का प्रॉफिट रिस्क पर लेके चल रहा था कि हाँ मेरा 175 बना है तो आज मैं रिस्क पर उतना ही लेके जाऊंगा, हो सकता है उससे मैंने 1-1.5-2 लाख और बन जाए और मेरा और बड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इसीलिए क्या क्योंकि मेरे पास कल का प्रॉफिट था, अगर कल मेरे पास प्रॉफिट नहीं रहता मैं कल 30,000-40,000-50,000 बना के रखता तो मैं नहीं जाता उस पर, क्या होता है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए उसको लूज करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट भी उतना ज्यादा बड़ा है नहीं तो क्यों लूज करना, एक तो प्रॉफिट ही छोटा है फिर उसको भी तुम लूज कर दो। तो यही था दोस्तों, मैंने आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश की है, आई होप आपको इससे कुछ समझ में आया होगा, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कुछ करने में बहुत मजा आ रहा है, ये मैप बना दे लेकिन ये वाला महीना आप देख रहे होंगे मेरा लॉस में, मतलब अभी कल का दिन है, हम कल कुछ बना लेंगे तो कुछ आ जाएगा, मतलब 2-2 लाख के आसपास के लॉस में चल रहा होगा, उससे पिछले महीना 12 बना था, उसका बाद 5 बना था, लॉस वाला महीना अपन का 2 में गया है, अगला महीना हो सकता है 5-10 में चला जाए, उसका अगला महीना कैसे हो जाए, लेकिन ट्रेडिंग रियल जो एक फुल टाइम ट्रेडर होता है ऐसे ही काम करता है, कभी भी ये मत सोचा करो कि एक ट्रेडर है तो लगातार ही पैसा बनाता है, लगातार नहीं बनता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट एक ट्रेडर के पूरे साल भर में 3-4 महीने ऐसे आते हैं जो पूरे साल भर का प्रॉफिट निकाल के दे देते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हर महीना बनाऊंगा तो ऐसा नहीं होता है। तो यही था मेरी आज की क्लास, मिलता हूँ मैं आपको खुद के स्टूडियो के साथ बहुत जल्दी। तो अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ यहाँ पे सर से, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, तो और दूसरे के एक्सपीरियंस से अगर आप सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपन तो नए ट्रेडर हैं, अपन स्कैल्पर है और स्कैल्पर आपको पता है कितना स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं, और अभी आज मेरे ट्रेड्स कैसे थे, मैं तो जो ट्रेड लिया ऐसे लेट मतलब बैक टू बैक गए, एक मेजर ट्रेड किया था फर्स्ट वाला और फिर उसके बाद फिर दूसरे ट्रेड के लिए गया, तीसरे ट्रेड के लिए, चौथे समय मतलब ऑलमोस्ट पहले एसएल हिट किया हर एक ट्रेड में, उसके बाद मार्केट वही टारगेट दिया जो मैं हर एक ट्रेड में एक्सपेक्ट कर रहा, और बाकी अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और सर से भी मैं अभी सीखूंगा काफ़ी सारी चीज़ें, और वो भी सीखते रहना है, हर किसी से सीखते रहना क्योंकि अपन है ट्रेडर और अपन स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी, तो मैं अगर मेरे को मिलने का मौका मिल रहा है सभी ट्रेडर्स से, अच्छे ट्रेडर्स, तो मैं सीखूंगा
और सीखे बिना मैं सर को छोड़ूंगा भी नहीं। तो अब अपनी सीखने की जर्नी और स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जो मैं नहीं जानता। एक छोटा सा स्कैल्पिंग सेटअप, एक दो सेटअप मेरे को आते हैं तो वो ठीक है स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन मुझे और भी आगे बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखनी है। और मैं सिखाता भी तो मैं खुद भी सीखता हूँ, इसलिए मैं सिखा पाता हूँ। तो बाकी यही था मेरा आज का ब्लॉग। आज अपन ऐसी ट्रेड कर रहे थे और आज जो कल अपना जो प्रॉफिट था वो आज अपना ऑलमोस्ट कल का प्रॉफिट का मेरा एसएल में देने का प्लान था, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन थी, हमेशा एक्सपेक्टेशन तो आपकी पॉजिटिव की होती है कि अच्छा प्रॉफिट मिले, अच्छा आपको रिटर्न मिले, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार वो चीज़ आपको मिलेगा। तो हम हमेशा अपने प्रॉफिट को ही रिस्क पर लेके ट्रेड पर जाएंगे, तो ना कि अपनी जेब के पैसे को पूरा का पूरा रिस्क पर ले लो। जब आपका जेब का पैसा होता है तो थोड़ा सा कम रिस्क लेना है, प्रॉफिट का पैसा तो आप रिस्क लेके जा सकते हो। कभी एक प्रॉफिट बनता है तो ओवरऑल सारे का सारा कवर अप कर देता है। कल इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो अपन देखते हैं कि कल अपन इस महीना जो अपना जो लॉस चला 2.5 लाख का वो कुछ कवर अप हो पाता नहीं, हो जाता आज के, लेकिन आज लॉस नहीं होता तो ऑलमोस्ट 0.5 लाख रुपए के आसपास का लॉस रहता है मेरा। बाकी आपके लिए लर्निंग वीडियोस बहुत सारा कुछ लाने वाला, मुझे पता है मेरे पास मेरे को देखने वाले लोग कहाँ से बिलोंग करते, कैसे बिलोंग करते, सारे मोस्ट ऑफ उत्तराखंड के पीपल तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको मैं किस तरीके से सिखा पाऊंगा ये चीज़ें वो उसका मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ। तो आप ऐप डाउनलोड करके देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोलो और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट बिना सीखे मत करना। मैं सीखा हूँ, मैं चीज़ें जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चौथे बैक टू बैक लॉसेस होते हैं, फिर होते हैं लूजिंग स्ट्रीक है, उसको भी हम मैनेज करते हैं। यही आज चीज़ आपको सीखना है। आप कंटिन्यूस 365 डेज मेरे को देखोगे ना ब्लॉग में, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रियल ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग कैसी होती है और इसको कैसे मैनेज करता है एक ट्रेडर। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।